पुराने समय से हमारे देश में किसान अपनी ऋण आवश्यकताओं के लिए साहूकारों पर निर्भर रहे, जिनकी ब्याज दरें बहुत ज्यादा और शर्तें बड़ी कठोर होती। फलस्वरूप वे जीवन पर्यंत सूदखोरों के मकर जाल में फंसे रहते। वो एक ऋण लेते दूसरा ऋण चुकाने के लिए, माँ बाप का कर्ज संतानी चुकाती, पीढ़ियाँ खत्म होती लेकिन कर्ज नहीं। किसानों की इस ऋण समस्या को दूर करने के लिए संस्थागत ऋण सर्वसुलभ बनाने के प्रयास तेज हुए। इस पहल में प्राथमिक कृषि साख समिति और जिला सहकारी बैंकों का गठन पूरे देश में तेजी से हुआ। जिला सहकारी बैंक लिमिटेड लखनऊ की स्थापना 1906 में की गई। ये बैंक ऐसे समय स्थापित हुआ जब जनपद में कोई भी संगठित वित्तीय संस्थान नहीं हुआ करते थे और इसका मुख्य उद्देश्य था जनपद के किसानों बेरोजगारों को बैंकिंग सुविधाएं देना तथा किसानों को कृषकों को उनको फसली ऋण के लिए मिडिलमैन के चंगुल से बचाना। कालांतर में इस जनपद में काफ़ी बैंक आए, काफ़ी बैंक खुले, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में इस बैंक का अभी भी एक अपना प्रमुख स्थान है और विशेषकर फसली ऋण में ये बैंक बड़ी महती भूमिका निभा रहा है। आज जनपद के 23 स्थानों पर हमारी शाखाएं कार्यरत हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों को बैंकिंग सुविधाएं सुलभ करा रहे हैं। बैंक ने अपना CBS कार्य पूर्ण कर लिया है, बैंक की सभी शाखाएँ CBS पर कार्य कर रही हैं। यह बैंक नेशनल पेमेंट सिस्टम से जुड़ा हुआ है। बैंक ने अपने ग्राहकों को रुपए डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड भी दिए हैं। व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर पॉस मशीन भी स्थापित कर रखी है। ये चीज़ बैंक में हमने देखी कि बहुत ही त्वरित गति से काम होता है बजाय नेशनलाइज बैंकों के। बैंक अन्य योजना में ठेली वालों को, रेड़े वालों को, पान वालों को 25,000 तक का रेट स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत उपलब्ध करा रहा है। बैंक शुगर मिल के को कार्यशील पूंजी के लिए ऋण उपलब्ध करा रहा है। ज़िले के किसानों से हमारा आह्वान है, ज़िले की जनता से आह्वान है कि बैंक के साथ जुड़े और अपने विकास में हमें अपना भागीदार बनाए। क्या हुआ भैया, काहे परेशान हो, काहे दुखी हो? चाचा बैंक गए थे, दो घंटे से बैठा के रखा है, छोटा सा काम है, अब कह रहे कल आना परसों आना। अरे ना दुखी हो बच्चा, जिला सहकारी बैंक जाओ। जिला सहकारी बैंक की 23 ब्रांचें हैं, 23 शाखाएं हैं, उनसे तुम्हें कोई भी तरह का सेवा लेनी, जैसे पैसा जमा करना है, निकालना है, तुम्हें लोन लेना है, तो वहाँ पर 3% तुम्हारा खेती बाड़ी है। हाँ, खेती बाड़ी भी, खसरा खतौनी भी हमारे पास। तो अच्छा, तो तुम्हें चिंता की जरूरत ही नहीं, तनिक जरूरत नहीं। तुम जाओ, मैनेजर लोग जो होते हैं खुद मदद करेंगे। तुम जिला सहकारी बैंक की शाखा जाओ और शाखा प्रबंधक भी इसके बहुत मददगार होते हैं। सारे कर्मचारी अच्छे हैं, अधिकारी अच्छे हैं, तुम्हारी मदद करेंगे, तुमको मतलब कल्याण होगा। मैं आज ही जाऊंगा और आज ही जाकर अपना खाता खुलवाऊंगा। बहुत अच्छा बच्चा, खुश रहो, खुश रहो। समय से फसली ऋण चुकाओ, सबसे सस्ता कृषि ऋण पाओ। आपका अपना बैंक जिला सहकारी बैंक। नाबार्ड के सहयोग से जिला सहकारी बैंक लखनऊ द्वारा एक मोबाइल ATM वैन भी तैयार कराई गई है। इस ATM वैन में ATM लगा हुआ है तथा एक मिनी शाखा के रूप में भी यह कार्य करती है। इस वैन को हम लोग विभिन्न सार्वजनिक स्थानों, हॉस्पिटल्स पे, जो हमारे सशस्त्र बल हैं उनकी जो पूरे शहर में कॉलोनियां हैं उन पे ले जाते हैं, जिससे कि उनको ATM की सुविधा के लिए कहीं दूर न जाना पड़े और कोई असुविधा ना हो। बैंक के बारे में भी हम लोग जानकारी देते हैं, उसमें एक LCD लगी हुई है। नमस्ते, ये हमारे बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है और इसके साथ साथ आपको आधार कार्ड अपना और पैन कार्ड की एक फ़ोटो कापी लगाएंगे, दो फोटो होनी चाहिए और कोई भी आपके इस बैंक में जिसका खाता हो वो इंट्रोड्यूस कर दे,
ये और 2000 से ये खाता खुल जाएगा आपका, और आपको यहाँ पे अपना नाम और पता भरना होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपके साइन होने चाहिए, यहाँ पे आपके, यहाँ पे आप फ़ोटो अपना लगाएंगे, यहाँ साइन करेंगे, फिर आप यहाँ भी साइन करेंगे अपना, और इसके साथ यहाँ एक साइन करेंगे और यहाँ साइन करके ये आपका कम करके ये सारी कंप्लीट करके आप इसी बैंक में आप दे देंगे और आपका खाता खुल जाएगा। सारी चीज़ें करके आपको हम लोग खाता खोल के पासबुक एटीएम कार्ड सब यहीं से आपको उपलब्ध करा देंगे, ठीक है। धन्यवाद। जिसके संचालन से हम लोग ग्राहकों को बैंक के बारे में जानकारी देते हैं, कैसे सुरक्षित लेन देन किया जाए इसके बारे में जानकारी देते हैं, तथा सहकारिता के बारे में अन्य जानकारी भी इस LCD के माध्यम से हम लोग देते हैं। सहकारिता की डगर, खुशियों की सौगात, आपका अपना बैंक जिला सहकारी बैंक। उत्तर प्रदेश किसानों का प्रदेश है, 82% लोग गांव में बसते हैं, किसानी करते हैं, और आज सहकारिता आंदोलन इन किसानों के लिए ही है। वह किसान जो कभी सहकारिता आंदोलन प्रारंभ होने के पहले महाजनों के हाथ में फंसा हुआ था, उन महाजनों के हाथ से उनको निकाल कर उनकी खेती में सहयोग करके, यदि उनको बीज चाहिए तो समय पर बीज देकर, यदि उनको खाद चाहिए तो समय पर खाद देकर, और उनकी आय को दोगुना करने के लिए उनका जो उत्पाद तैयार हो उस उत्पाद को सही समय पर अच्छा मूल्य देकर खरीदना, यह काम सहकारिता आंदोलन का एक अंग है। हमारा सहकारिता आंदोलन लगातार किसान के लिए चल रहा है। इसके अलावा भी हमारी जो साधन सहकारी समितियां हैं, प्रत्येक न्याय पंचायत में हमारी साधन सहकारी समिति है, और वह साधन सहकारी समिति किसान के लिए जितनी भी आवश्यकता हो, जो भी उसको खेती के उसके लिए चाहिए, सब में सहयोग कर रही है। हमारा LDB भी किसान के सारे उद्योग में सहयोग करने के लिए ही है। हमें मानकर चलते हैं, सहकारिता आंदोलन एक दिनों दिन निरंतर बढ़ रहा है, बैंकिंग में भी हमारे निरंतर सुधार हुआ है। अब तो हमारी ATM वैन किसान के दरवाजे पर खड़े होकर कहती है, आपको पैसे की आवश्यकता हो तो हमसे पैसा प्राप्त करें, जमा करने के लिए भी वहां सहूलियत है। हम चाहते हैं हमारा बैंक किसान की प्रत्येक आवश्यकता के लिए अपने को तत्पर दिखे, और दोनों काम लगातार कर रहा है। अभी तो हम अपनी न्याय पंचायतों में बनी हुई साधन सहकारी समितियों से पूरा कर रहे हैं, आवश्यकता पड़ी तो इसको हम गांव-गांव और घर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारा लक्ष्य केवल यह है, हर हालत में आपकी आय दूनी हो, आपके चेहरे पर मुस्कान आए, हम मानेंगे हम सफल हुए। जिला सहकारी बैंक लिमिटेड लखनऊ की सभी शाखाएं पूर्णतया CVS मोड पर कार्य कर रही हैं। बैंक अपने सभी ग्राहकों को RTGS और NEFT की सेवाएं सब मेंबरशिप योजना के तहत प्रदान कर रहा है, और ग्राहकों को रुपए डेबिट कार्ड भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिला सहकारी बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाइए, उत्तम क्वालिटी के खाद एवं बीज पाइए। जिला सहकारी बैंक लिमिटेड लखनऊ हमारी मुख्य रूप से कृषकों के लिए फसल ऋण बीमा देने का प्रयास करती है, और इन सुविधाओं के माध्यम से हम कृषकों को सक्षम एवं समृद्धशाली बनाने का काम करते हैं। तो जिला सहकारी बैंक हमारी समय से समितियां और जिला सहकारी बैंक खुले, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमारे अपने अधिकारियों के साथ इस संदर्भ में हम कार्यशालाएं भी करते रहे हैं। ये वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों के लिए, खासकर बच्चों के लिए कराया जा रहा है, कि ये जान लें कि आजकल बहुत सारे पेटीएम हैं और ATM ट्रांजेक्शन्स हैं, आप बाहर जाते हो या अपना घर का मम्मी पापा का हेल्प भी कराते हो, TV का रिचार्ज खत्म हो गया तो कैसे करते हैं, या मोबाइल रिचार्ज खत्म हो गया तो कैसे, आजकल आप लोग ज़्यादा बेहतर करते हो, इसलिए आप लोग के बीच ये कार्यक्रम कराया जा रहा है। लेकिन ये कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि आप अच्छा करते हो, लेकिन थोड़ी बहुत सावधानियाँ
जो अभी टीवी कार्यक्रम के माध्यम से भी दिखाया जा रहा है कि आपको सावधानियां रखना है, मम्मी पापा के हेल्प करो लेकिन उनका नुकसान या आपका नुकसान ना हो, या आप कोई आदमी फोन करके आपसे कार्ड का नंबर या पिन मांगता है तो स्ट्रिक्टली मना कर दीजिए। बैंक का ही कहे कि मैं बैंक का हूँ तो इस संबंध में बैंक का हूँ या कोई भी हो, कार्ड आपके पास रहता है आपको देते हैं जानते हैं बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा, कभी किसी से शेयर नहीं करिएगा। जब लोगों के पास धनराशि की व्यवस्था नहीं है तो फिर सामूहिक रूप से जनता अपने धनराशि इकट्ठा करते हुए पूंजी बढ़ाते हुए सहकारिता आंदोलन को चलाएगा। सहकारिता आंदोलन सहकारिता विभाग के माध्यम से और सहकारिता संस्थाओं के माध्यम से बहुत सारे किसानों को और ग्राम स्तर पर जितने भी हमारे काश्तकार हैं उन सब लोगों की सुविधा के लिए काम करती है। लगभग पूरे प्रदेश में हमारे 50 जिला सहकारिता बैंक्स है और उसकी 1200 ब्रांचेस है और एक भूमि विकास बैंक है जो लॉन्ग टर्म लेंडिंग के लिए, और आज तक भूमि विकास बैंक के माध्यम से और सहकारिता बैंक्स के माध्यम से और हमारे एपेक्स यूपीसीबी के माध्यम से लगभग 60 लाख किसानों की ऋण वितरण हम लोग कर चुके थे। जो अभी तक की जो धनराशि आंकलन हुआ था 14,000 करोड़ लॉन्ग टर्म लेंडिंग पे और 8,000 करोड़ प्रति साल शॉर्ट टर्म लेंडिंग पे किया जाता है। अपने काम को क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं और क्या फ़ायदा पहुंचा देते हैं, ये सारी चीज़ जनता तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। जो वर्तमान में जो प्राइवेट बैंकिंग सेटअप या पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सेटअप की कंपटीशन को अगर झेलना है ठीक ठाक और उनके बराबर आना है तो फिर तो आधुनिकृत होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए विभाग में बहुत सारे नए नए प्रक्रिया लागू की गई है, जैसे अकाउंट्स के जो भी है कंप्यूटराइजेशन हुआ था, जो 27,000 करोड़ की जो डिपॉजिट है उसकी साइबर सिक्योरिटी थ्रेट से दूर रखने के लिए इसकी व्यवस्था भी डेटा सेंटर और डेटा रिकवरी सेट में की गई है। लगभग इस एक साल में 12,000 करोड़ का ऋण वितरण किया था, जिसमें एसटी लोन का है 8,000 करोड़ और नॉन एसटी लोन का है मतलब नॉन एग्री लोन्स का है 4,000 करोड़ का ऋण वितरण हुआ था। किसी भी बैंक को अच्छी तरह से चलने के लिए दो ही इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, क्वालिटी ऑफ लेंडिंग अच्छा हो जाए और क्वालिटी ऑफ रिकवरी भी अच्छा हो जाए ताकि एनपीएस ना बढ़े और बैंक चलते रहे। जब बैंक चलता रहेगा किसानों को जो ऋण मिलना है वो अपने आप ही मिलता रहेगा और किसान की वो रोजी रोटी और रोजी काश्तकारी अपने आप बढ़ती रहेगी। आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऋण लेना ही देना ही बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, उसके साथ एक महत्वपूर्ण ये उद्देश्य होता है कि समितियों में खाद किसानों के लिए खाद मिलती है जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ हमारी बनाती हैं, वो खाद जो है वहाँ पर समितियों में पहुँचती है, वो एक नंबर की खाद होती है, उसमें कोई भी डुप्लीकेसी नहीं होती, जैसे मार्केट में तमाम खादें बिकती हैं उसमें डुप्लीकेसी मानी जाती हैं, परंतु अपने यहाँ जो भी सहकारी समितियों में खाद बिकती है वो एक नंबर की खाद होती है। आओ हम शुरुआत करें, विकास की बात करें। खुशियों को देता आधार सहकारी बैंक जन जन के द्वारा। इसके अलावा बैंक में नाबार्ड के वित्तीय सहायता से एक वित्तीय साक्षरता केंद्र की स्थापना बैंक की शाखा मोहनलालगंज में की गई है और वहाँ पर एक वित्तीय साक्षरता प्रभारी भी नियुक्त हैं जिनके माध्यम से संपूर्ण लखनऊ जनपद में वित्तीय साक्षरता के प्रचार एवं प्रसार हेतु कार्य किया जा रहा है और उक्त कार्य में लखनऊ जनपद में वित्तीय साक्षरता कैंपों का भी आयोजन नाबार्ड की वित्तीय सहायता से किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिला सहकारी बैंक लखनऊ का एक अपना अलग स्थान है। आज इस बैंक की 23 शाखाएं कार्यरत हैं विभिन्न स्थानों पे। आपका भरोसा, आपका विश्वास, जिला सहकारी बैंक। नाबार्ड के सहयोग से हम दो महत्वाकांक्षी योजनाएं चलाने जा रहे हैं। एक तो ये है कि हम लोग जो व्यवसायिक इस्टेब्लिशमेंट हैं, दुकानें हैं, पेट्रोल पंप हैं, गैस एजेंसीज हैं, उस पर हम एम पॉस की सुविधा देने जा रहे हैं। इस बैंक के लिए चैलेंजेस ये रहे हैं कि जो किसानों का हमारा खाता है समितियों पे, उसमें पारदर्शिता लाने की ज़रूरत है और इसके लिए इस बैंक ने एक बड़ा प्रयास किया कि समितियों के जितने भी खाते हैं उनका हम लोगों ने डिजिटलीकरण कर दिया है।